सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा और मेरा होशियार थी सबसे, हम तीनों बहनें पांच पांच पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है, एक चीज की समझ हो जाए फिर सारा पढ़ना आगे आसान हो जाता है, तो मुझे वो समझ थी, हमें टीचर मुझे कहती थी कि सीमा आप कराची में रहते ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर गांव में गुजरा है, मैं शादी के बाद कराची आई हूँ जी सर। पर हो चंदन की तुम्हारी बोली जेका है वो खैरपुर वारी कोना है? खैरपुर में सिंधी गाना मिलवा था, पर तुम्हारी बोली जेका है कराची वारी वधिक थी लगे? कराची असा मुझे मामे जो घर कराची में हुयो, असा अचमन हुंदो, मुझे अम्मी भी अग में आई, वरी असा अचमन हुंदो, ब महीना रहया से वोट वापस मुसलसल कराची में शादी खपो मा रही हां सर जी। तो उतो उनका पहली था खैरपुर में आया, खैरपुर मेरा सा सिंधी इलाको आ, सिंधी ही लैंग्वेज असा कर वोट वो मशहूर आ, सिंधी भाषा सिंधी लैंग्वेज इंजलाई सिंध में घनी सिंधी सिराइकी ही गलाई, उर्दू तो कराची में आ, उर्दू तो फिल्म ड्रामा ऐसी भी सीखी वा अस घी फिल्म ड्रामन का उर्दू सीखी आ, कराची घट वे आऊँ हाँ, कराची शिफ्ट थे दुकान वो भी खंड विकण वो भी उर्दू गल, कराची में है उर्दू शहर। तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सवाल ये पूछा गया मेरी तरफ से कि आप बता रही हैं कि आपका बचपन खैरपुर में बीता, तो आपकी भाषा जो है वो खैरपुर वाली नहीं लगती है, खैरपुर में ही बोली जाती है सर, और कराची वाली लगती है, तो आप कह रही हैं ये खैरपुर में जो इनका गांव है वहाँ की भाषा है, इस वजह से आप ऐसे बोलती है। ये सवाल आते इसलिए उठ रहा है क्योंकि वहीं से जैसे पाकिस्तान से ही ना कई लोग बोलने लगे कि ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये सिंध की है ही नहीं, ये खैरपुर की है ही नहीं। और अच्छा, दूसरी चीज़, आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में, ये आपने बात छिपाई? सर जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ सच ही बोला, ठीक है सर। और रही बात, चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे, और जो भैया हैं जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे, इनको भी पता है, वो 12वीं पढ़े थे कराची में, किसी के लिए कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर, एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बाडी के कारण सबको मिलती है। तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड में अब्बू की डेथ होने से तो 2 महीने पहले ही वो हुए थे, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर, मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी उन सबसे, मैं अगर कुंवारी होती उनके साथ रहती तो मुझे जोड़ा भी जाता मानती हूँ, पर अब तो मैं शादीशुदा अलग थी। अभी देखें सब ने आवाज़ उठाई, मेरी बहनों ने मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने मुझसे बात करने, एक बार उन्होंने मीडिया में ये, क्योंकि हमारे यहाँ फोटो शक्ल नहीं दिखाते टीवी में, मेरी बहनें ना आई यही वजह है हमारे, मैं आ गई हूँ ये भी उन लोगों के लिए बड़ी बेइज्जती की कहा होगा, गाँव गाँव में भी थूथू होती होगी कि तुम्हारी बहन का ये चल रहा है, भी पूरे गाँव में उनके थूथू, मेरे मामा चाचा जो भी हैं पहले तो उनसे मेरा इतना कोई है नहीं, फिर उनको हर कोई थूथू करता होगा कि तुम लोग की लड़की ऐसा कर रही है वहाँ बैठी है। तो मेरी बहन टीवी पे, उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम भेजा कि सीमा को वापस आ जाए, पर खुद टीवी पे नहीं आई, खुद नहीं बोला उन्होंने, बस इतना पैगाम जो मीडिया वाले वहाँ गए उनको इतना पैगाम दिया, खुद सामने नहीं है, क्योंकि हमारे खानदान में सामने नहीं आते, कोशिश भी नहीं करी उनसे बात करने की, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत खुश थी, अगर मैं उनसे बात करती तो उनको दुख ही देती मैं, उनको दुख तो होगा, बहनों मेरी बहनें तो बहनें होती हैं सर, उनको तो दुख होगा मेरे दूरी का, पर इसका मतलब मैं यहाँ बहुत खुश थी, वो भी अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि अब्बू मर गए तो हम 2-3 महीना बहुत रोए, सब रह लिए, सब खाने लगे पीने लगे जीने लगे, तो वो मेरे बगैर भी जी लेंगे, पर मैं इनके बगैर वहाँ जी नहीं पाती, और मेरा अगर हैदर या किसी को भी पता पड़ जाता ना किसी से बात करती हूँ प्यार करती हूँ, तो मुझे तो वहाँ आपको जिस तरह सिंधी बोल रहे हैं आपको पता होगा कि वहाँ कारोकारी का रवाज है, तो इसमें मैं तो ख़त्म ही हो जानी थी, यही वजह थी कि मैं यहाँ चली, मुझे यकीन था कि हम खुश रहेंगे और वो मुझे मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते इंडिया में जी सर, बस यही वजह है, इसके अलावा मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। आपने नहीं सोचा कि इनसे बोला जाए कि उधर बात की जाए, तो कुछ तो पूछा होगा ना कि परिवार में कौन है कैसे? मुझे पता थी, सब पता थी कि भाई है बहन है और दादी है दादा, सब पता थी सर। तो बात करने के लिए आपको भी बात करने के लिए सर, हाँ बात की, जैसे इसकी सही नहीं कही नहीं होती थी उन्होंने मुझे बात करते नहीं, तो ये नहीं देखिए सवाल क्या है कि आप 4 बच्चे छोड़कर नेपाल चली गई, तो ये करना भी तो इसमें भी तो शक पैदा होता है ना कि कोई अपने बच्चे छोड़कर क्यों नेपाल चला जाएगा। सर मैं अगर वहाँ तक आई वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इनको पता है हर मिनट मैं अपने बच्चों से अपने घर वालों से बात करती थी व्हाट्सएप पे, उनको मैंने लगा था कि मैं घूमने जा रही हूँ, हमारी वहाँ से जा रही थी, क्योंकि हम लाहौर शम्स तबरेज़ की दरगाह है, एक बीबी रुकैया पाक दामन के इनकी दरगाह है, तो हम शिया कबीले से हैं शिया, तो वहाँ हमारे यहाँ जाते मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गई थी, तो मैंने अपनी बहनों से ये ख्वाहिश जाहिर करके मैं जाना चाहती हूँ, सब जा रहे हैं मेरी दोस्त ने बताया सब जा रही है, मैं भी उनके साथ वैन जा रही हूँ, मैं उनके साथ घूमने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ का रास्ता 2 दिन का तो रास्ता है, 4 दिन रास्ते के और 3 दिन मैंने वहाँ रहने के उनको बताया, और यही सोच के मैंने 7 दिन की टिकट करवाई थी, क्योंकि बच्चे मैं अपनी बहन और चाची के पास छोड़ के जा रही थी।
मेरा मुश्किल था बहुत आना, पर ये भी एक रिस्क था। अगर किसी को मेरे भैया या चाचा मामा किसी को शक होता ना कि सीमा यहाँ हैदर को भी हो जाता, दूर से पता पड़ जाती मेरे ससुर को ना कि आपकी यहाँ गई हुई है, तो मुझे तभी ख़त्म कर देते। वो भी एक रिस्क मैंने इनके लिए उठाया कि हमें मिलना था, हम कभी मिले नहीं थे। मेरी ख्वाहिश थी, बीच में मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने मिलने के लिए मैंने रिस्क भी रिस्क था एक सर, पर उनको पता नहीं था कि मैं नेपाल जा रही हूँ या ऐसा कोई है या मेरे पास पासपोर्ट का आज तक मेरे घर वालों को पता नहीं। पासपोर्ट अब कई गलत चार दो कैसे और कैसे बनवाया आपने, क्यों इतने क्यों बनवाया? नहीं क्यों मतलब मेरे तो पासपोर्ट सब चार बच्चों का, एक मेरा है, पाँच पहला पासपोर्ट नेपाल एम्बेसी से जाँच की जाए। पहला पासपोर्ट मैंने सीमा नाम, सिर्फ सीमा था, ना ऊपर कुछ था ना पीछे ना आगे कुछ नहीं, सिर्फ सीमा था। वो अभी पड़ा है यहाँ पे, तो वो मतलब नेपालियों ने कहा कि सीमा नाम पे मतलब नहीं लग रहा आपका पासपोर्ट, ये वापस कर देगा पास। बच्चों के वीजे लग गए, सिर्फ एक मेरा नहीं लगा था। अच्छा। तो यही वजह थी कि मैंने दोबारा पासपोर्ट बनवाया सर। इसके पीछे कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं दोनों पास मेरे पास थे, मेरे अगल में दाग होते हैं। उम्र पे सवाल उठ रहे हैं कि आमतौर पर पाकिस्तान में हर किसी की, अब मेरी बड़ी बहन की देखो उसकी भी कम है, छोटी बहन उसकी भी कम है, भैया की भी कम, हर ये आमतौर पे चलता रहता है क्योंकि बड़ी एज लिखवाते हैं फिर बंदा बड़ा हो दिखता है, तो ये चीज़ आम बहुत ही कि छोटी एज लिखवाना, इस पर कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं होता, सबकी हैं, सब सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ भी होती होंगी, मुझे तो यहाँ का पता नहीं है, पर वहाँ पे नॉर्मल चार से पाँच साल हर कोई कम ही लिखवाता है। और भाषा को लेके कि आप कैसे हिंदी बोल रही हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, और वो सब क्योंकि वहाँ से, तो हमने तो जिनसे भी बात की वहाँ पे वो तो ये भाषा बोलते नहीं है। सर उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है, मैं फिर से कहूँगी उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है। अब हम जा रहे थे तो सुना आपसे पूछा गया कि अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो आपने एक जगह कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब अनर्थ तो बोलते नहीं है वहाँ पे, मैं यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलती हूँ, और इनके पीछे इनका हाथ है। जब हम अलग रहते थे तो बात बात पे अगर मैं पाकिस्तान भाषा बोलती मुझे डांटते थे मुँह पे, कहते तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, सबको पता चल जाएगा तुम पाकिस्तानी हो। बात बात इन्होंने मुझे मेरे आदत इन्होंने हमें सिखाया ऐसे मत बोलो, जैसे हमारा तू बोला जाता है, बड़ा और छोटा आम पे तू तुम चलता रहता है, तो पहले मुझे इन्होंने तू करवाना छुड़वाया, इन्होंने ही छुड़वाया, सचिन इस बात के गवाह हैं, तू कहना छुड़वाया कि तू मत बोलो, या जैसे बड़े को कैसे बोलते हैं, हम तो तुम भी बोले दे तुम्हें आप इस तरह की बातें, हमारे आप और तुम या तू ज़्यादा बोला जाता है पाकिस्तान में। तो बाकी रही बात हर बात में जो मैंने अनर्थ कहा, तो ये मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी इस तरह ही बोलती थी ज़्यादातर, क्योंकि इनके साथ मेरी बात ज़्यादा होती थी। वहाँ पे तो लोग हैरान हो जाते होंगे कि ये कैसी बात बोल रहे हैं। बातचीत इतनी होती थी सर कि मैं वहाँ किसी थोड़ा ईद हो गई त्यौहार जैसे होते हैं, ईद होती है, मैं त्यौहार बोल रही हूँ, ईद वगैरह हो गई या वहाँ छोटे छोटे होते हैं हमारे यहाँ, तो उनमें यहाँ त्यौहार तो वहाँ बोलते नहीं है, यहाँ बोलते सर मेरी यही भाषा बस मेरे मुंह में बस जैसे हिंदी बस गई हो। वो तो जितना बोलते नहीं है जितना आप बोल रही हैं, तो वो कैसे 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 भाषा आपकी इनसे आपके सामने नहीं बोलते, मुझे पता है वो कितना बोलते हैं। अच्छा जी सर, ये यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोलते, और जितना ये बोलते शायद मैं भी नहीं बोलती, जिस तरह ये डांट पड़ते हैं, जिस तरह ये आग बबूला हो जाते हैं, शायद कभी मैं भी नहीं हुई होंगी, ये आप लोगों के सामने पता नहीं क्यों इस तरह हम भोले बन जाते हैं, इससे है नहीं सर, हकीकत तो ये है, बाकी ये फर्क ज्यादा नहीं है क्योंकि उर्दू भी सेम इस तरह ही है, शब्द बोल देती उर्दू हो जाती। तो जब मेरा प्यार यहाँ आए, मेरा सब कुछ यहाँ आए, तो मुझे भाषा और वो साड़ी की बात है, साड़ी मैं अब भी खुद नहीं पहनती, मुझे मम्मी ही पहनाती हैं, कभी भी मैंने खुद से साड़ी नहीं पहनी, इस बात पे लोग इशू उठा रहे, पर इसका कोई खास मतलब नहीं है।